छात्र आज की 305 फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम के टॉपिक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का अध्ययन करेंगे। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप नियंत्रण प्रणाली। एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट सिग्नल। इन दिस सिस्टम the output signal is not compared with the input signal, which means there is a no feedback signal in this system. The open loop control system is also known as a non feedback control system. अर्थात ये कह सकते हैं कि ओपन लूप नियंत्रण प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें नियंत्रण क्रिया वांछित आउटपुट सिग्नल से स्वतंत्र होती है। इस प्रणाली में आउटपुट सिग्नल की तुलना इनपुट सिग्नल से नहीं की जाती है, जिसका अर्थ ये है कि इस प्रणाली में कोई फीडबैक सिग्नल नहीं होता है। ओपन लूप नियंत्रण प्रणाली को नॉन फीडबैक नियंत्रण प्रणाली भी कहते हैं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को इस ब्लॉक डायग्राम्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्लांट है, प्लांट से तात्पर्य जिस मशीन का आउटपुट प्राप्त किया जाना है वो मशीन है, और जहाँ पर कंट्रोल एक्शन किया जाना है वो कंट्रोलर कहलाता है, और उस कंट्रोल का आउटपुट एक्चुएटरी सिग्नल कहलाता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल से हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। दिस मशीन रन्स अकॉर्डिंग टू द प्रीसेट टाइम इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉशिंग इज कंप्लीटेड और नॉट। ये मशीन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार चलती है, भले ही धुलाई पूरी हो या नहीं हो। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रेड टोस्टर। दिस मशीन रन्स एज पर एडजस्टेड टाइम इरेस्पेक्टिव ऑफ टोस्टिंग इज कंप्लीटेड और नॉट। ये मशीन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार चलती है, भले ही टोस्टिंग पूरी हो या ना हो। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है लाइट स्विच। लैंप ग्लोज व्हेन एवर लाइट स्विच इज ऑन इरेस्पेक्टिव लाइट इज रिक्वायर्ड और नॉट। स्विच को ऑन करने पर लैंप जलता है, चाहे प्रकाश की आवश्यकता हो या नहीं हो। ये भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑटोमेटिक टी कॉफी मेकर। दीज मशीन्स आल्सो फंक्शन फॉर प्री एडजस्टेड टाइम ओनली। ये मशीनें भी पूर्ण निर्धारित समय के अनुसार ही चलती हैं, चाहे कॉफी अच्छी बनी हो या नहीं बनी हो। टाइम बेस्ड क्लॉथ ड्रायर। दिस मशीन ड्राइज वेट क्लॉथ्स फॉर प्री एडजस्टेड टाइम इरेस्पेक्टिव द क्लॉथ्स आर ड्राई और नॉट। ये मशीन समायोजित समय तक गीले कपड़ों को सुखाती हैं, चाहे कपड़े सूखे हैं या नहीं सूखे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है इमर्शन रोड। द रोड हीट्स अप द वाटर बट हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड दैट कैन नॉट बी सेंस्ड बाय द रोड। रोड पानी को गर्म करती हैं, लेकिन रोड ये सेंस नहीं करती कि कितने गर्म पानी की आवश्यकता है। इसी तरह एग्जांपल है ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम। ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम ग्रीन लाइट पूर्व निर्धारित समय तक ऑन रहती हैं, चाहे पूरा ट्रैफिक निकला हो या नहीं निकला हो। इसी तरह स्प्रिंकल सिस्टम है। स्प्रिंकल प्रीडिफाइंड टाइम तक चलता रहता है, चाहे वातावरण में आवश्यकता अनुसार नमी हो या नहीं हो। इसी तरह हेयर ड्रायर है। हेयर ड्रायर भी जितने समय तक चलाया जाता है चलता है, इसे निर्धारित नहीं होता है कि बाल सूखे हैं या नहीं सूखे हैं। एडवांटेजेस ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप नियंत्रण प्रणाली के लाभ। सिंपल डिजाइन ए इजी टू कंस्ट्रक्ट। इनके डिजाइन सरल होते हैं तथा इनको बनाना भी आसान है। इकोनॉमिकल अर्थात ये सस्ते होते हैं। इजी मेंटेनेंस, इनका मेंटेनेंस करना आसान है। हाईली स्टेबल ऑपरेशन, इनका प्रचालन अधिक स्थायी होता है। लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इनमें रखरखाव की कम आवश्यकता होती है। डिसएडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप नियंत्रण प्रणाली के दोष। दी आर इनएक्यूरेट, ये इनएक्यूरेट होते हैं अर्थात इनके जो
आउटपुट आते हैं त्रुटिपूर्ण होते हैं, दे आर अनरिलायबल, ये विश्वसनीय नहीं होते हैं। एनी चेंज इन आउटपुट कैन नॉट बी करेक्टेड ऑटोमेटिकली, यदि आउटपुट में चेंज हो जाता है किसी कारण से तो उसको ऑटोमेटिकली ठीक नहीं किया जा सकता है। रिकैलिब्रेशन ऑफ द पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टाइम टू टाइम, इसलिए आउटपुट को सही प्राप्त करने के लिए समय समय पर इसके पैरामीटर्स का कैलिब्रेशन करना आवश्यक होता है। थैंक यू।